आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की हुंकार आज हो रही है। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है और 2024 के लिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। महारैली के जरिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। रैली में जिस तरीके से भीड़ की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। रैली में सोनिया और प्रियंका गांधी नहीं पहुंची है, लेकिन यहां पर कमान संभाल रहे राहुल गांधी, अध्यक्ष खड़गे और जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो। तो ये बड़ी खबर है कि आज 139वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस आज हुंकार भर रही है और 2024 का जो शंखनाद है वो वहां से किया जा रहा है। जैनेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेन्द्र, जिस तरीके से आज महारैली हो रही नागपुर में, क्या संदेश देने की कोशिश है और नागपुर को ही क्यों चुना गया? देखिए अवधेश, नागपुर को क्यों चुना गया इस पर तब से ही बात हो रही है जब से नागपुर रैली का ऐलान किया कांग्रेस ने। माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हिंदी पट्टी में निराशाजनक प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास फूंकने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव पूरी टक्कर से लड़ने वाली है, इसी वजह से कहीं ना कहीं नागपुर चुना गया, क्योंकि नागपुर बीजेपी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसका मुख्यालय यहाँ पर है। यहाँ से संदेश क्या दिया जाएगा, इंतजार हो रहा है। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष फिलहाल बोल रहे हैं, इसके बाद राहुल गांधी और खड़गे का भाषण होगा। सामने अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं अवधेश, तो मैदान पूरा ये जो है भरा हुआ है। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। नजरें लोकसभा चुनाव पर है, लोकसभा का बिगुल यहाँ से बजाएगी कांग्रेस। संदेश बिल्कुल बिगुल बजाई जा रही, शंखनाद हो रहा है, लेकिन आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की रैली पर जवाब भी सामने आ रहा है, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्यों नागपुर ही। विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है, नागपुर चुनने के पीछे आरएसएस फैक्टर नहीं है, नागपुर को गांधी और अंबेडकर की धरती कांग्रेस बता रही है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष हैं विजय वेडेट्टीवार, जिन्होंने बातें कही। हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है। ये गढ़ कांग्रेस का है, ये भूमि का इतिहास विदर्भ का, ये कांग्रेस को हमेशा तकलीफ के वक्त साथ देने वाला इतिहास रहा है। नागपुर से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। 1885 में जब देश को आज़ादी दिलानी थी तो नागपुर से कांग्रेस ने शुरुआत की थी। आज जब एक विचारधारा जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है उससे छुटकारा दिलाना है, तो भी नागपुर को चुना गया। देश जो सुनना चाह रहा है वो संदेश है। और नागपुर एक ऐतिहासिक जगह है, कांग्रेस की जड़ें यहीं से मजबूत हुई, यहीं उत्पन्न हुई, यहीं से आगे बढ़ी महाराष्ट्र और नागपुर। तो देखिए 2024 का शंखनाद भी है, अपने पुराने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश है और नागपुर रैली में लोगों से चंदा देने की अपील भी की जा रही है। हर कुर्सी के पीछे बारकोड का स्टिकर चिपकाया गया है, नेताओं और लोगों की कुर्सी के पीछे बारकोड है और अब तक चंदा अभियान में 8 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। तो आर्थिक स्तर पर भी पार्टी मजबूत हो इसके भी चिंता की जा रही है। और जो महारैली नागपुर में हो रही है, हर कुर्सी के पीछे बारकोड का स्टिकर लगाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।